गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद ताशु। मैं आज आप लोगों को एक कुछ ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ जो कि स्किन को करेगा ब्राइटन, वाइटन एंड क्लियर, जो कि 3 दिन में आपको फर्क देखना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही अच्छा है और इजीली आपको किचन में मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं लेना, बस 3 इंग्रेडिएंट्स में ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना बालों को टाइट। तो गाइज मैं एक बाउल और एक स्पून ले चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो, और मैं लूँगी ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, और मैं लूँगी हनी यानी कि शहद 1 टीस्पून। गाइज मैं अपना फेस के क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ, मेरा फेस छोटा है, अगर आपका फेस बड़ा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी का लेना। इसके बाद मैं लूँगी लेमन यानी कि नींबू, उसको मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। ये रेमेडी बहुत ही अच्छा है गाइज, ये आपका स्किन को सारी प्रॉब्लम हटा देगी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज, डल स्किन है, अगर आप उसको ब्राइट ग्लोइंग करना है, अगर आपका स्किन में है पिगमेंटेशन, सन टैन, इवन स्किन टोन, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो आपका ये प्रॉब्लम दूर में तो दूर करेगी, साथ साथ आपका फेस में अगर है एक्ने, पिंपल्स, वो सब भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाला है। सबको वो क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मैं इसीलिए 3 इंग्रेडिएंट्स ली हूँ जो बहुत ही अच्छा है आपका फेस के लिए। ये रेमेडी आपको हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है 3 दिन, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर आप 3 दिन यूज़ करें। चूँकि अब मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। सॉरी गाइज, मेरा बैकग्राउंड पे वो मेरा एक तोता है, वो बहुत चिल्लाता है, सॉरी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं पूरा फेस पे अप्लाई कर रही हूँ स्पून से, लेकिन आप हाथ से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरा फेस के साथ साथ आप नेक पे भी अप्लाई करना ज़रूर। स्पून से नहीं हो रहा था इसलिए मैं हाथ से कर ली। स्पून से ठीक से बिल्कुल भी फेस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, वो नीचे गिर जाता है आधा से ज़्यादा। और मसाज कर करके अच्छे से देना। बिल्कुल इस तरह से आई साइड पे बिल्कुल भी ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं अब बैक नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही जेंटली मसाज करके इसे फेस पे, नेक पे अच्छे से इसको देना है। अब प्लीज़ गाइस, 3 दिन प्लीज़ आप ज़रूर हफ्ते में देना, प्लीज़ कीप मत करना, ये आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसको 20 मिनट तक रखना है, उसके बाद ठंडा पानी से वॉश कर। तो मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और ग्लो भी कर रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है, क्लीन है, कोई दाग भी नहीं है। एज यू कैन सी गाइस, नेक पे भी अच्छा है। कभी कभी लोग को बोली कि नेक पे भी डाल लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का स्किन टोन से जो नेक का टोन होता है वो चेंज हो जाता है, वो अलग लगता है, तो उस वो देखने से बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा फेस के साथ साथ नेक पे भी अप्लाई करती हूँ ताकि सेम टोन दिखे और अच्छा लगे। तो गाइस ये रहा मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, मेरा चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपना फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लव यू गाइस, बाय।